वृहद मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने बंबई हाई कोर्ट में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आदतन अपराधी हैं, जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपनगरीय जुहू में एक रिहायशी इमारत में अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं। आपको बता दें, बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सोनू सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, क्योंकि बीएमसी ने अपने नोटिस में यह आरोप लगाया था कि सोनू सूद ने 6 मंजिला शक्ति सागर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे कमर्शियल होटल में तब्दील कर दिया है। बीएमसी ने अपने हलफनामे में अब कहा है कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है और अनाधिकृत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि वो इसे होटल के रूप में इस्तेमाल कर सके। बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन सोनू सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2018 के अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है।